Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आपका Radiant Learning YouTube चैनल पे स्वागत है. और आपने last class में आपने reported speech पढ़ा होगा और reported speech की दो classes हो चुकी है. अगर आप में से किसी student ने नहीं ली है तो पहले वो दो classes आप देख लीजिए. आज एक फिर से स्टार्ट करेंगे. फिर से हमारा टॉपिक आज क्या होने वाला है? रिपोर्टेड स्पीच. ये थर्ड क्लास हम रिपोर्टेड स्पीच की आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा इसमें समय लगता है पढ़ाने में. तो आज का टारगेट रहेगा कि अगर आपके सेंटेंस को देखा जाए और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा ना वैसा ही हमें उसका सोल्यूशन बनाना होता है, जैसे आप जानते हैं. तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं, इस रिपोर्टेड स्पीच में हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे आप, किस में? इनडायरेक्ट में. कैसे? इनडायरेक्ट में. तो डायरेक्ट को हम किस में रिप्लेस कर देते हैं? इनडायरेक्ट में. अगर आपको ये आ जाएगा ना अच्छे से कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना आ जाता है अगर आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना. और इसी चीज को हमने क्या नाम दिया था, इसी चीज को हमने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपके एग्जाम में क्या आती है? ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे देखिए ध्यान से. ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या होने वाली है जरा देख लीजिए आप. तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आप देखेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइप ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए. जैसा टाइप होगा ना वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए. तो आज की क्लास में मैं एक नया लेवल तैयार करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस कैसा निकलता है, इंपेरेटिव. कैसा निकलता है? इंपेरेटिव सेंटेंस. तो किस तरह से उस इंपेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी आप जरा ध्यान से देख लेना. ओके डियर स्टूडेंट्स. अब बच्चे कह रहे सर इंपेरेटिव सेंटेंस दिखने में कैसा लगता है? आपको पहले भी बताया जा चुका है और अब भी बता रहा हूं कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आपके सामने आता है तो अभी कभी कभी देखोगे ना तो आपको उसमें क्या दिखाई देने वाला है, कोई ऑर्डर दिखाई देगा. कभी कभी ऑर्डर नहीं होगा तो कोई रिक्वेस्ट होगी. एक सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी तो की जा सकती है. आप रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो. कभी कभी आप लोग क्या करते हो, एडवाइस. और कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें एडवाइस नहीं है, उसमें क्या किया होता है, एक तरह का एडवाइस, ऑर्डर और कभी कभी परमिशन वाला सेंस आता है सेंटेंस को पढ़ने से, परमिशन. ठीक है जी. उसके बाद कभी आप मना कर देते हो तो मना करने को इंग्लिश में बोल दिया जाता है फॉरबिड. फॉरबिड तो मना भी किया जा सकता है. तो एक सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन भी हो सकता है, वार्न, चेतावनी दी जा सकती है. तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है कि वो सेंटेंस जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म से. क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस. यानी दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसको क्या बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि देखो, एक हम बोलते हैं यू शुड हेल्प द पुअर और एक बोलते हैं हेल्प द पुअर. तो जैसे मैं बोलता हूं यू शुड हेल्प द पुअर तो वो अफर्मेटिव है. लेकिन अगर मैं बोलता हूं हेल्प द पुअर तो वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसको बोला जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट फॉर्म से. ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, गेट आउट, गो, डोंट गो, कम, डोंट कम, गेट आउट, ऐसे ऐसे सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू करोगे ना तो उसको बोल दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस. उसमें ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस, परमिशन और फॉरबिड भी हो सकती है. मना भी किया जा सकता है कि ये मत करो. ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है. अब आगे देखते हैं. देखो, अब क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा एक दो क्लासेस में तो उसमें मैं आपको बता रहा था बार बार कि दो नहीं, आपको लगभग पांच तरह के चेंजेस एक सेंटेंस में करने पड़ते हैं. वो पांच चेंजेस हम इसमें देखेंगे कि एक इंपेरेटिव में कैसे कैसे रहेंगे. तो सबसे पहला चेंजेस आप जानते होंगे, सबसे पहला चेंजेस होता है कि आप जब भी कोई टाइप लिखते हैं ना तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
तो आप ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वर्ब के मैटर में हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो इंपेरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यानी जो सेट टू को आप टोल्ड में लिखते थे, सेट टू को आप आस्क्ड लिखते थे, अब वो नहीं करना आपको। अब हम सेंस पे छोड़ देते हैं बात कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे यूज की जाएगी। अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंस के हिसाब से, जैसा सेंटेंस का सेंस होगा उसी हिसाब से क्या लिखी जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब लिखी जाएगी। जैसे देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही सेड टू मी, आगे लिखा जाए why are you watching television, ऐसे लिख दिया, और लास्ट में मैंने आपके लिए लिख दिया question mark, क्योंकि क्वेश्चन है ये। तो आपने देखा कि इस वाले पार्ट को तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते थे और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते थे, वही सीखना है हमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से लगाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन है ना, तो जरा बता दो क्वेश्चन के लिए क्या लगाते थे। अब बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन के लिए तो आस्क्ड लगाते हैं, डिमांडेड ऑफ लगाते हैं, Enquired of लगाते हैं, Wanted to know from लगाते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा। तो मैं यहां told नहीं लिख सकता, question की respect में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, asked लगाना पड़ेगा, और यहां me का क्या लिखा जाएगा, me। दो sentences को जोड़ने के लिए conjunction चाहिए होती है, लेकिन WH family तो खुद ही conjunction होती है, तो why के नीचे क्या लिख दिया जाएगा, why, are you, you को मैं बदलूंगा me में, me का क्या हो जाएगा I, और is am are का past लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, was, why I was। याद रखना कि पहले are नहीं, पहले subject को बदलेंगे, second person change into object, तो I was के बाद आएगा watching, I was watching, आगे सेम सेंटेंस रहेगा टेलीविजन का, टेलीविजन लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो देखो ना जरा, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं आगे देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं अभी समझ पा रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा देखो, ये जो हम सेट टू का रिप्लेसमेंट लिखते हैं ना आस्क्ड, यहीं पर आप देखोगे हर बार चेंज होता है। कभी कभी इसको आप लिख देते हो आस्क्ड, कभी कभी टोल्ड, कभी रिक्वेस्टेड, कभी ऑर्डर्ड। तो अगर क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है तो आस्क लगाते हैं, लेकिन अगर टाइप बदल गया, और टाइप क्या हो गया आपका सेंटेंस, इंपेरेटिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम फिक्स नहीं कर सकते। अगर हमें लगेगा कि ऑर्डर है तो हम ऑर्डर लिख देंगे, अगर लगेगा रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे, अगर एडवाइस हुआ तो एडवाइस, परमिट हुआ तो परमिटेड, और फॉरबिड है तो फॉरबेड या फॉरबिडन, वर्ब की कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं जैसा लिखा होगा, है ना। यानी हमें सेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यह फिक्स नहीं है कि आप आस्क लगा दो या टोल्ड, ये फिक्स नहीं होती, ये अपने आप को सेंटेंस में देखना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप ये था हमारा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो चलो हमने सही लगा दी, अब क्वेश्चन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप बताओ कि आप कंजंक्शन क्या लिखोगे, क्योंकि उसके बाद कंजंक्शन लिखनी होती है आपको। कंजंक्शन का मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड। अब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड हम लिखते थे अलग अलग, कभी दैट लगाते थे, तो कभी कभी आप देखो ना दैट की जगह पे हम WH फैमिली भी लगा सकते थे, इफ यूज कर लेते थे। लेकिन अब ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे करते हैं, फर्स्ट फॉर्म से, और एक वर्ब को जब सेंटेंस से जोड़ना होता है तो नो कंजंक्शन, कोई आपको कंजंक्शन लगाना ही नहीं पड़ेगा, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, इंपेरेटिव में कंजंक्शन नहीं आता। ध्यान रखना आपको क्या लगाना होगा, नंबर तीन आपको लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। तो आप ध्यान देना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने वाला कंजंक्शन नहीं चाहिए, अब हमें वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना है, तो आप कंजंक्शन को छोड़ के क्या लगाओगे, प्रेपोजिशन। और आप याद करो, जैसे एक सेंटेंस बनाते थे ना हम, मुझे लिखना है कि मैं जाता हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आई गो। अब मैं बोल रहा हूं मैं चाहता हूं, आप क्या बोलोगे सर, आई वॉन्ट। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट
टू गो, इसका मतलब हुआ कि आपको प्रेपोजिशन क्या लेना पड़ेगा, टू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से पहले किसको लिखा जा सकता है, टू। और हमेशा ध्यान रखना कि टू के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसी को एक नाम से जानते हैं, ग्रामेटिकली नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। उसको क्या नाम दिया जाता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को ही बोला जाता है इन्फिनिटिव। तो ध्यान देना कि हमें कंजंक्शन की जगह टू लगाना है, और टू हमारा क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा आपको, है ना डियर स्टूडेंट। ये बातें ध्यान रखना, देखो कितनी आसानी से आप कर पाओगे अब, कि आपको पता चल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब तो सेंस के हिसाब से लगेगी, आपने देखा जी कंजंक्शन तो लगानी ही नहीं है इसमें, आपने देखा कि कंजंक्शन नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे, सेंटेंस को जोड़ना किसको है, आपको फर्स्ट फॉर्म से लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा ना, तो उसमें टू लगाया जाता है, कंजंक्शन नहीं, इसलिए प्रपोजिशन टू आएगा और आने वाली फॉर्म फर्स्ट होनी चाहिए, और क्या बनना चाहिए, इन्फिनिटिव। अब कभी भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई अदर वर्ड मत लगा देना, आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इकट्ठा लिखना है हमेशा, बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, आप देख लेना। ओके डियर, तो ये था हमारा रूल। उसके बाद ध्यान करो आप फोर्थ नंबर पे क्या चेंज करते थे, बच्चे कह रहे सर फोर्थ नंबर पे हम प्रोनाउन बदलते थे, आई बदलते थे, यू को बदलते थे, प्रोनाउन को, और प्रोनाउन को बदलने का रूल क्या था, सन। सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि बिल्कुल पहले का ही रूल है। फर्स्ट पर्सन को एस सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ओ ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन को नो चेंज, करना ही नहीं है चेंज, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे ध्यान रखना, फिफ्थ नंबर पे टेंस को बदलना सिखाया था आपको, याद करो टेंस को बदलने के कुछ रूल्स थे, कि अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर से बनाता हूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लिखेंगे, वॉज वर, अगर मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो सेकंड फॉर्म, वो टेंस के रूल एज यूजुअल रहेंगे। सिक्स नंबर पे कुछ एडवर्ब के वर्ड चेंज करने सिखाए होंगे आपको मैंने, एडवर्ब के कुछ वर्ड्स चेंज करने सिखाए होंगे, एज यूजुअल रहेंगे, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, है ना, नाउ का देन, वही वर्ड लिखेंगे। तो ये सारे चेंजेस आपको ध्यान से करने हैं। आई रिपीट कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म से। क्या क्या दिखाई देता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, परमिशन, और क्या चेंजेस करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के साथ लगेगी, कंजंक्शन लगाना नहीं है, प्रेपोजिशन टू होगा, और टू कहां लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाया जाता है। प्रोनाउन का रूल क्या है, सन का रूल है। टेंस का रूल क्या है, प्रेजेंट को पास्ट करेंगे और पास्ट को मोर पास्ट कर देंगे। और अगर सेकंड सिक्स रूल देखेंगे तो क्या होता है, एडवर्ब, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे पहले से ही, क्योंकि लास्ट की दो क्लासेस भी आपने देखी होंगी जरूर, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट की दो क्लासेस देख चुके हो आप। अब देखो, अब मैं सेंटेंस देता हूं आपको बनाने के लिए, आप सोचना किस तरह से इसको डील किया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि मोहित सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस तरह का आपका एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने बनाने के लिए। फिर एक और लिखते हैं, द टीचर सेड टू, द टीचर सेड टू द पियोन, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, अ ग्लास ऑफ वॉटर फॉर मी, इस तरह से, है ना, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो क्या देखना है आपको, थोड़े चेंजेस करेंगे अब, कैसे कैसे हैं, रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले बताओ सेट टू का क्या लिखोगे, बच्चे कह रहे सर ओपन द डोर तो एक ऑर्डर है, ऑर्डर माना जाता है, तो अब ज्यादा चांस क्या है, ये ऑर्डर माना जाएगा। हालांकि एग्जाम में इसको रिक्वेस्टेड भी लिखा जा सकता है, एडवाइज्ड भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि जब तक हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलता तो हम ओपन द डोर को एक ऑर्डर मान के चलेंगे। तो ऑर्डर को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मोहित सेट टू नहीं आएगा, अब क्या लिख दिया जाएगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर को अगर हम फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी हो जाएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है, कंजंक्शन। क्या वर्ब को जोड़ सकता है आपका कंजंक्शन,
नहीं, वर्ब को जोड़ने के लिए, फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन आपको लगाना पड़ता है टू, तो क्या हो जाएगा? टू ओपन द डोर, बाकी सेम लिख देंगे, टू ओपन द डोर। अब बच्चे कह रहे सर आपने प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में क्यों नहीं बदला? आपको बताया गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो टेंस होता है, आप ध्यान देना, वो टेंस नहीं बदलता, नो चेंज, क्योंकि आप ध्यान देना हमें रूल बनाना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या बनाना है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या टू के बाद सेकेंड फॉर्म आ सकती है कभी? नहीं। तो कैसे टेंस बदल देंगे फिर हम? जब तक आपकी फर्स्ट फॉर्म का रूल रहेगा ना, तब तक आपको सिर्फ याद करना है कि वर्ब से पहले टू लगाना है और आपको आगे वाली फॉर्म क्या लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। उसको बदला नहीं जा सकता, वो सेम रहने वाली है। तो मोहित ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ये तरीका है सही लिखने का। ओके डियर, आगे देखते हैं। चलो अब इसको कैसे बनाएंगे। द टीचर, अब सेट टू को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? अब बच्चे कह रहे सर इस बार तो प्लीज लिखा हुआ है। अगर प्लीज लिखा है ना, ध्यान देना, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट का इंडिकेशन देता है, इसीलिए प्रेफरेंस दी जाएगी कि हमें क्या लिखना चाहिए। यहां पे रिक्वेस्टेड लिखना चाहिए, द टीचर रिक्वेस्टेड द पियोन, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस आपका। ओके, अब आगे देखो, क्या प्लीज दोबारा से लिखना चाहिए? बच्चे कह रहे सर नहीं, क्योंकि अगर हम रिक्वेस्ट के साथ प्लीज लिखते हैं तो वो क्या बनाता है? सुपरफ्लोज। सुपरफ्लोज का मतलब अननेसेसरी वर्ड, मोर देन रिक्वायर, कि जितना चाहिए उसे फालतू यूज कर रहे हैं। जब बोल ही दिया है रिक्वेस्ट तो प्लीज क्यों लगाएंगे फिर हम? तो प्लीज तो नहीं आएगा। हां, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसको सिर्फ क्या लगाना है? टू, बाकी सेम सेंटेंस रहना चाहिए। तो टू ब्रिंग का टू ब्रिंग हो गया, अ ग्लास ऑफ वॉटर का अ ग्लास ऑफ वॉटर सेम हो गया, अ वॉटर। उसके बाद ध्यान देना क्या लिखा है, फोर, और मी, मी कौन सा पर्सन है जरा बताना? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, टीचर है। अब देखो टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसीलिए हिम भी लिखा जा सकता है या फिर हर लिखा जा सकता है, लेकिन जब कॉमन जेंडर होता है तो प्रेफरेंस मेल को मिलती है। आप चाहे तो यहां हिम लिखें चाहे हर, कभी कभी चारों ऑप्शन में हर लिखा होता है, कभी कभी चारों में हिम, और एक में हिम है और एक में हर है, तो प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलती है? मेल को, इसीलिए यहां लिखा जाएगा हिम, लेकिन हिम और हर कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये एक तरीका है लिखने का कि रिपोर्टिंग वर्ब बन रही है। देखो ना, यहां ऑर्डर था तो यहां बदल गया रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने सेंटेंस का टोन पकड़ लिया। उसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा था तो ऑर्डर्ड, इसमें रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो क्या लिख दिया है? रिक्वेस्टेड। दोनों में रूल सेम है, टेंस बदलना नहीं है, बस टू लगाना है। टू लगा दिया, टू कहां लगता है? फर्स्ट फॉर्म को, तो बन गया सेंटेंस। ऐसे बनाना है आपको, ठीक है ना? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आप ये सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो बड़े ध्यान से आप बना पाओगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, चलो आपके लिए एक सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको एक टास्क देता हूं। आज एक टास्क यह है कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उसके मैं इस बार आपको एग्जाम में तो चार ऑप्शन मिलते हैं ना, लेकिन क्योंकि हम तो सीख रहे हैं अभी, हम तो कितने भी ऑप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो मिनिमम प्रैक्टिस में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए ना। तो आप ध्यान देना कि मुझे चार नहीं, कुछ ज्यादा ऑप्शन देने होंगे आपको। मैं आपको इस बार 10 ऑप्शन देता हूं, 10 ऑप्शंस। बस आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट करते रहना है, और मैं लिख रहा हूं आप भी नोट करते रहना, और आप जो आपको ठीक लगे उस पर टिक कर देना, सेंटेंस के हिसाब से जो आंसर लगता है वो ठीक कर देना, टिक कर देना, और जो गलत है उसको क्रॉस कर देना, ये काम करना है आपको। तो मैं पहले आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसके ऑप्शंस बनाता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। क्वेश्चन आपका लिख दूं पहले क्या है, तो क्वेश्चन आपका रहेगा द टीचर said to me don't touch the wires, don't touch the wires। ये सेंटेंस है हमारा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर सेड टू मी डोंट टच द वायर्स, ये सेंटेंस है। अब देखो इसका आंसर एक लाइन में अगर आपको देना होता तो आप दे दोगे,
क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमें इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर देना होता था, तो देखो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते थे। लेकिन अब हमारे सामने तो ऑप्शन लिखे मिलेंगे ना, तो हमें राइटर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैं आपको अलग अलग ऑप्शन देता हूं, जितने एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है मैं सब करूंगा, आप बताना गलत है कि सही है। यानी जो इतने सारे डाउट्स होते हैं ना आपके कि कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो सारे इन ऑप्शंस में आपको कवर कर दूंगा मैं। तो ध्यान से बिल्कुल केयरफुली इस क्वेश्चंस के आंसर बनाओ आप। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं ए आपको कि द टीचर मेरे साथ साथ नोट करना आपने भी, द टीचर सेट टू। अब सेट टू को मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, टोल्ड, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अभी, बस आपको बताना है गलत है कि सही है। टोल्ड मी, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप ध्यान देना हमें कुछ भी लिखना पड़ता है, तो आप आंसर लिख सकते हो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, पर मैं लिख रहा हूं डोंट टू टच द वायर्स। ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड बी लिखिए, द टीचर ordered me to touch the wires. See, the teacher requested me not to touch the wires. Next, D, the teacher forbade me not to touch the wires. बड़े ध्यान से करो, पांच ऑप्शन हो गए हैं, इसको देख लो ध्यान से, पॉज करके एक बार आप कर लेना। पांच ऑप्शन, पांच में दूसरी साइड लिख रहा हूं, इसको पॉज करके आप देख लो, फिर देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन एफ आप लिखो, द टीचर warned me not to touch the wires. Next लिखिए, देखो नेक्स्ट, द टीचर रिक्वेस्टेड मी टू नॉट टच द वायर्स। फिर से एक ट्राई करिए, द टीचर ऑर्डर्स मी टू नॉट
touch the wires. Next, the teacher forbade me to touch the wires. Next, the teacher ordered me to touch the wires. Next, the teacher advised me not to touch the wires. ठीक है ना, अब देखो, अब ये सारे क्वेश्चंस देख लिया आपने, अब ये सारे क्वेश्चंस में आप देखो बड़े ध्यान से, तो कुछ मिस्टेक्स छोटी छोटी मैंने कर दी है, आप बड़े ध्यान से इनको चेक करके आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। तो जब अब मैं वन बाय वन करेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, जिनके नहीं हुए पॉज करके एक बार आंसर पूरे कर लें और फिर आप देखें इस वीडियो को ध्यान से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड मी, तो क्या टोल्ड सही है? जी हां, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहां टोल्ड सही है, लेकिन डोंट का डोंट हो सकता है क्या भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, क्या डू लिखेंगे आप? नहीं ना, आप गलत, यानी डू का डू नहीं हो सकता, इसीलिए ये आंसर गलत माना जाएगा, ये गलत है। ओके, फिर देखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी लिखा हुआ है। अब देखो, द टीचर ऑर्डर्ड मी, अब देखो ना, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म लगाया, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आगे तो क्या लिखा हुआ है? टू टच, क्या लिखा हुआ है? टू टच द वायर्स। अरे भाई, ये तो उल्टा मीनिंग बन रहा है, आप ध्यान दो, हम तो मना कर रहे हैं कि नहीं करो, और इसमें लिखा है कि टीचर कह रहा है कि ये करो, तो ये तो मीनिंग ही खराब हो गया, मीनिंग बदल गया, और मीनिंग बदल गया तो आंसर नहीं हो सकता ये। ओके, देखो, नेगेटिव का तो नेगेटिव होना चाहिए आंसर, पॉजिटिव कैसे दे देंगे हम आंसर? द टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट भी तो किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि ऑर्डर देके ही किया जाएगा, बड़े पोलाइट वे से भी ऐसा बोला जा सकता है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ये राइटर खुद डिजाइन करता है आपके लिए, हो सकता है सारे ऑप्शन में आपको रिक्वेस्टेड देखने को मिले। तो रिक्वेस्टेड है, मी भी आ गया, नॉट भी आ गया, और टू टच भी लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, यानी आपने नॉट भी लगा दिया है, टू टच भी लिख दिया है, इसका मतलब हुआ सही, नो मिस्टेक, रिक्वेस्टेड भी लिखा है, नॉट भी लगा हुआ है, और आप ध्यान देना, टू का पोजीशन फर्स्ट फॉर्म से पहले है और वो भी नहीं बदला, इसका मतलब बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, एकदम सही। द टीचर फॉरबिडन मी, अब देखो फॉरबिडन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है जरा बताना, बच्चे कह रहे सर फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, तो फॉरबिडन तो थर्ड फॉर्म हुई, इसका मतलब हुआ क्या सेकंड फॉर्म का रिप्लेसमेंट थर्ड फॉर्म हो सकता है? नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर जैसा होता है ना, वैसा नंबर स्पीच में होना चाहिए। यहां सेकंड फॉर्म है तभी मैं सेकंड फॉर्म लिख रहा था, लेकिन ये कौन सी फॉर्म निकली हमारी वर्ब की? थर्ड फॉर्म, इसीलिए आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल गलत होगा, नंबर बदला नहीं जा सकता। फिर देखो, द टीचर फॉरबिडन, सॉरी, द टीचर फॉरबिड, तो अब ये सेकंड फॉर्म है, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि फॉरबिड के साथ नॉट लगाना गलत होता है, इसीलिए गलत हो गया। अरे फॉरबिड का तो मतलब ही होता है मना करना, क्या दोबारा से नॉट लगाओगे आप? नहीं, फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगाया जा सकता। देखो, जो डोंट के रिप्लाई होंगे ना, डोंट से बने हुए सेंटेंस को फॉरबिड से बनाना प्रेफरेंस होती है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, नॉट, क्योंकि नॉट के साथ फॉरबिड का रिलेशन सही नहीं माना जाता, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या करोगे उसको। अब देखो, टीचर ने वार्न किया, यहां तक तो सही है, नॉट लगाया, यहां तक भी सही है, लेकिन देखो क्या लिखा है, टू टच्ड, अरे वाह, टेंस बदल दिया है। देखो, अरे टेंस बदल सकते हो क्या, बताओ? नहीं, टू के साथ कौन सी बुक में लिखा है कि सेकंड फॉर्म आती है? टू के साथ हमेशा आएगी, तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, इसकी वजह से गलत हो गया, नहीं तो शायद ये भी ठीक हो जाता, तो ये गलत हो गया हमारा।
द टीचर रिक्वेस्टेड मी आ गया, रिक्वेस्टेड मी। अब बच्चे कह रहे सर रिक्वेस्टेड तो हो सकता है क्योंकि जरूरी थोड़ी ना, रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं टीचर, कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो अब लिखा है यहां पे टू, यहां लिखा है टच और यहां लगा है नॉट। वेरी गुड। क्या टू और फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई बीच में वर्ड आ सकता है क्या? नहीं, नॉट की पोजिशन गलत है। ध्यान रखना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अकेले नहीं, मतलब उसके बीच में कोई वर्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। नो ऑब्स्टिकल कैन स्टैंड बिटवीन टू एंड वी वन, इन दोनों के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसकी पोजीशन यहां होनी चाहिए थी, इसकी पोजीशन गलत है, इसी वजह से यह भी गलत है। द टीचर ऑर्डर्स, अरे वाह देखो ना जरा ध्यान से, अरे सेकेंड फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और यहां फर्स्ट फॉर्म लिख दिया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदलता, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है आपको। देखो एक क्वेश्चन में सारी बातें समझा रहा हूं मैं धीरे धीरे आपको, कहां कहां गलतियां होती है। फिर टीचर फॉरबेड आ गया, यहां तक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। मी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और खुशी की बात यह है कि नॉट भी नहीं लगा हुआ इसके अंदर, इसीलिए बिल्कुल सही माना जाएगा। फॉरबिड में नॉट नहीं आता, इसलिए ध्यान रखना बिल्कुल सही है। द टीचर ऑर्डर्ड मी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब सही है, ये भी इसमें भी गलती नहीं है। द टीचर एडवाइज्ड, क्या टीचर एडवाइस दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। क्या नोट आएगा? हाँ जी आएगा। क्या टू टच आएगा? जी आएगा। इसका मतलब ये भी सही है। तो देखो ना लास्ट के तीन सही थे और उनमें से एक आपका सही निकला, दैट इज सी ऑप्शन। तो देखा ना इस तरह से चेक करना पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब बात आती है कि चलो जो गलत है सो गलत है, और जो सी आंसर था और इधर से जो आपके ये थ्री ऑप्शंस बने हैं, इनमें से अगर प्रेफरेंस देनी होती मुझे, बाकी सारे आपके आंसर मान लो है ही नहीं, ये तीन ऑप्शन में है और एक आप देखोगे तीन के बाद आपका ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है, तो आप बताना कि अब बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे, कि ऑर्डर रिक्वेस्ट से बनाना पसंद करोगे, फॉरबिड से, ऑर्डर से, एडवाइस से। तो ध्यान रखना डोंट वाले क्वेश्चन को अगर फॉरबिड से बनाया जाता है तो बिल्कुल सही माना जाता है, तो प्रेफरेंस किसको जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? तो प्रेफरेंस जाने वाली है किसको? फॉरबिड वाले को। पहला ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो फॉरबिड भी नहीं है, आप बचे ये दो ऑप्शन और एक लास्ट में था, तो बताओ ऑर्डर सही रहेगा, एडवाइस सही रहेगा या रिक्वेस्ट सही रहेगा? तो टीचर जनरली क्या करते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं, तो प्रेफरेंस अब किसको जाएगी? ऑर्डर को जाएगी, यानी दूसरे नंबर पे मैं इसको ठीक मानता। अब देखो मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं है, एक जगह पे एडवाइस है और एक जगह पे रिक्वेस्ट है, तो जनरली टीचर हमें क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट। अब इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्वेस्ट भी हो सकती थी, एडवाइस भी हो सकती थी, दोनों आप ऑप्शन में बन सकते हैं और एक ही मिलेगा इनमें से अगर मिलेगा, तो इस तरह से चलना पड़ता है आप, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान, अगर वार्न होता ना चेतावनी वाला, तो वार्न को भी प्रेफरेंस मिलती, क्योंकि खतरे की बात जब होती है तो वार्न को लिखा जाता है। तो ये था आपका, इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या सीख लिया, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो मैंने सारी बातें आपको दिखाई कि किस किस तरह से फॉलो करना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो फिर से एक सेंटेंस करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस बार ध्यान देना, इस बार मैं अब आपको कभी कभी ना एग्जाम में ध्यान रखना, हर तरह से हमें ट्रेंड होना है, तो आप ध्यान रखना कभी कभी लिखा नहीं मिलेगा डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट सेंटेंस लिखा नहीं मिलेगा, सीधी इनडायरेक्ट की स्टेटमेंट मिलेगी चार आपको, उनमें से ही चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ नोट कर लो कि मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सही है, और जिस बच्चे का सही हुआ वो आज की क्लास का जीनियस स्टूडेंट होगा। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप जितने बच्चे वीडियोस देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप सभी बच्चों ने इन चारों में से जो सही है वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि आपके हिसाब से कौन सा सही था। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं चार स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फर्स्ट लिख रहा हूं आपके लिए, अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है खुद सोच लेना कैसे करेंगे आप। तो मैं पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्कॉल्ड द
चाइल्ड फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर हमें कोई अलग से स्टेटमेंट तो मिली नहीं है कि जिसको देख के बनाएंगे। मैं तो आपके सामने सीधे ही चार स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। एक से ज्यादा ठीक हो सकता है, एक से ज्यादा गलत भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना आपका। फिर उसके बाद लिख रहा हूं मैं ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। फिर लिखो सी ऑप्शन, द टीचर एडवाइस, द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। उसके बाद लिखिए, आप लिखिए भगवान तुम्हारा भला करे, प्रिया रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, ठीक है। अब आपको यह बताना है इसमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है और कितनी गलत है। एक से ज्यादा सही हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, और एक से ज्यादा गलत भी हो सकता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना, एक से ज्यादा सही और एक से ज्यादा गलत। और आपके ऑप्शन देखो, ये चार स्टेटमेंट है ना, तो मैं अभी ABCD ऑप्शन भी दूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके एक बार देख लो। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इसके, देखो फर्स्ट ए ऑप्शन ये है कि ऑल आर करेक्ट, कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो सारी ही करेक्ट हैं। बी ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके लिए, ऑल आर इनकरेक्ट, भाई सारी की सारी ही क्या है, इनकरेक्ट हैं। फिर सी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ओनली सी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। डी ऑप्शन लिख रहा हूं आपके लिए, ओनली डी इज करेक्ट। और एक ऑप्शन अलग से दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है मुझे, तो ओनली नहीं, अब मैं लिखूंगा बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। ये लो जी, अब देखो इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन गए। अब देखो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि सी सही है अकेला, डी अकेला सही है, या सी डी दोनों ठीक हैं, या फिर कह सकते हैं आप लोग सारे सही हैं सारे गलत हैं। आप देखो जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर वन चेक कर लो, टू चेक कर लो, थ्री फोर सब चेक कर लो ध्यान से। देखो जरा, ही ordered मी नॉट टू scold द चाइल्ड लिखा है अगर मैंने, तो आपने देखा ध्यान से कि आपने देखा कि ordered भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ordered तो लिखा जा सकता है ना, और सेकेंड फॉर्म भी लिखी है, पास्ट मी भी है, नॉट भी लिखा है, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही माना जाएगा कि गलत, बता दो जरा, गलत है कि सही है? ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसको गलत हम नहीं मान सकते, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान दो, मैं आपको लिए एक ऑप्शन जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ना इसमें क्या हुआ कि ज्यादा ठीक है आई थिंक सो, वो एक ऑप्शन नहीं बन पाया, तो थोड़ा सा मैं इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट में ये करना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोथ लिखा था ना, तो अब बोथ की जगह आप लिख लो कि ए, ठीक है, ए और बी, ओ ए सी एंड डी आर करेक्ट, यानी ए भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी सही है, ऐसा भी हो सकता है, यानी ए बी सी है, सी भी हो गया और डी भी ठीक हो गया। एक तो ये ऑप्शन बना, तो एक ऑप्शन था ओनली सी इज करेक्ट, एक ऑप्शन है ओनली डी इज करेक्ट, और अब मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको जो आप ध्यान देंगे कि ए बोथ ए
एंड बोथ ए एंड डी आर करेक्ट. थोड़े इंटरेस्टिंग ज्यादा ही बन गया है तो धीरे धीरे, ठीक है ना. अब ये इतने सारे ऑप्शंस हैं आप देखो, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑल आर करेक्ट और ऑल आर इनकरेक्ट ये नहीं हो सकता. आप देखोगे ध्यान से अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ना यहां लिखा है ही ऑर्डर्ड मी टू नोट हो सकता है क्या? नहीं ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में तो आ ही नहीं सकता कुछ. इसका मतलब गलत. और ये इसके गलत होने का मतलब ये हुआ कि ये ए नहीं हो सकता आंसर और बी भी नहीं, क्योंकि सारे करेक्ट नहीं है, अब सारे इनकरेक्ट नहीं है. अब इन्हीं में से बच गया, इन्हीं में से बच गया आपका ऑप्शन. ठीक है जी, ये मैंने फालतू में दे दिया ऑप्शन, मुझे यही देने थे आपको, ये चार ऑप्शन देने थे. ठीक है चलो देखते हैं, अब हम सीधे देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे गलत है और कौन कौन से सही हैं. जरा देखो अब ये द टीचर एडवाइज मी, आपके हिसाब से ये सही लगेगा आपको, क्योंकि एडवाइज भी लिखा है, मी भी लिखा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिखा है, और इसको तो गलत कोई कर ही नहीं सकता ना. प्रिया रिक्वेस्ट करी है टू हेल्प हर, यहां पर भी ठीक है, यानी इसमें बिल्कुल सही लगता है. लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस बात पर कि ये गलत है. पता क्यों गलत है? इसमें एडवाइस को गलत तरीके से लिखा गया है. इस एडवाइस को हमें लिखना चाहिए था, एडवाइस में एस लिखना चाहिए था. क्या लिखना चाहिए था? एस लिखना चाहिए था. अब बच्चे कह रहे सर एस क्यों, स्पेलिंग गलत है क्या? अरे स्पेलिंग गलत नहीं है, गलत नहीं है. स्पेलिंग एडवाइस की दोनों होती है, सी से भी बनती है, एस से भी बनती है. लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो ना तो आप देखो कि एडवाइस को हम कैसे लिखते थे. एक तो मैं एडवाइस को सी से लिखता था और एक मैं एडवाइस को लिखता हूं एस से. यही चीज सेम आप प्रैक्टिस के साथ भी करते हो. प्रैक्टिस की स्पेलिंग एक सी से बनती है और एक प्रैक्टिस की स्पेलिंग हम किससे बनाते हैं? एस से बनाते हैं. तो अब फर्क यह है कि जो मैं सी लिखता हूं ना तो यह एक तरह का नाउन बन जाता है. नाउन मतलब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है या प्रैक्टिस करना होता है. प्रैक्टिस का मतलब ये हमारी होती है वर्ब, यानी वर्ब की स्पेलिंग में एस होना चाहिए और नाउन की स्पेलिंग में सी होना चाहिए. और इसी तरह से ध्यान दो तो आप देखोगे कि इसमें हमें वर्ब चाहिए थी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है और वर्ब में सी नहीं होता है, एस होता है. इसीलिए ये गलत माना जाएगा, ये सही नहीं है. तो आंसर ए और डी, यानी हमारे जो ए और डी है वो सही है. तो ओनली सी वाला गलत हो गया, ओनली डी ही सही है ये भी गलत हो गया. तो आपका आंसर अगर देखा जाए सी और डी दोनों ठीक है, ये भी गलत हो गया. बोथ ए एंड डी, देखो ना ध्यान से, बोथ ए एंड डी, तो बोथ ए एंड डी आर करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा, ठीक है ना. तो ये देखो किस तरह से गलत हुआ. तो एडवाइस का, अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या एडवाइस एक मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड होता है भाई. आप इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो कमांड करते हो या ऑर्डर करते हो या एडवाइस, ये दो तीन ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास. तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन तो बनता ही है ना. राइटर आपको एडवाइस की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज करता है. तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का सॉल्यूशन हो ना तो एडवाइस की स्पेलिंग हमेशा चेक करनी चाहिए आपको, कि कभी ऐसा तो नहीं सी लिखा हुआ. सी का मतलब नाउन होता है, हमें एस लगाना चाहिए यहां पर. ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने इंपेरेटिव की सारी कंडीशन और टर्म सीख ली कि किस किस तरह से इसको यूज करते हैं ना. आप इस तरह से इंपेरेटिव की प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं कुछ प्रैक्टिस लेके आऊंगा आपके लिए, और मुझे लगता है आज इतना कर लो आप, आज इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए. तो इंपेरेटिव सेंटेंस की रूल रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं कुछ प्रैक्टिस लेके आऊंगा आपके लिए, और आज इतना कर लेते हैं. आपने वीडियो को देखा, बहुत अच्छे, धन्यवाद करता हूं मैं आपका. और सबसे मेन बात, आप जो एक चीज की कमी हमें महसूस हो रही है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो. देखो जिस तरह से आप बेनिफिट उठा रहे हो ना, तो आपको चाहिए कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके कजन्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है या जो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में आप इन वीडियोस को, इन इस चैनल के बारे में बताइए, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे. टिल देन गुड बाय. ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं.